नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक रिचार्जेबल टॉर्च लाइट मेरे पास में रिपेयर होने के लिए आया है। इसका जो स्विच है, इसको ऑन करने के बाद इसका जो लाइट जलना चाहिए वो लाइट बिल्कुल भी नहीं जलता है। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम इस टॉर्च में दिखाई दे रहा है। ये टॉर्च सही से चार्ज होता है, ये इसका चार्जिंग सॉकेट है पीछे में होता है, आप लोग देख सकते हैं। और इस चार्जिंग सॉकेट में दो पिन दिखाई दे रहा है। ये दोनों पिन में 220 वोल्ट एसी सप्लाई का दोनों तार को लगाने से ये टॉर्च चार्ज होता है। और इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग कॉर्ड भी मिलता है इस टॉर्च के साथ में। तो अभी मैंने इसको चार्ज करके दिखाने के लिए सीरीज लाइन का दोनों तार को ले रहा हूँ। और ये दोनों तार को मैंने ये जो चार्जिंग सॉकेट में दो पिन है इनके साथ में लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा चार्जिंग का जो रेड कलर का LED है वो हमारा जल रहा है, आपको यहाँ पर ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हमारा मोबाइल का जो कैमरा है ये हमारा सही से LED का जो लाइट है उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रहा है, नहीं तो हमारा LED सही से जलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये टॉर्च को खोल के देखते हैं इसके अंदर में क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसका जो आगे का भाग है इसको मैंने खोल लिया हूँ, और इसका आगे में एक प्लास्टिक का कांच जैसा चीज़ होता है ये टूट चुका है, तो इसको हम बाद में फेविक्विक से चिपका लेंगे। अभी मैंने इसका LED लाइट को निकाल देता हूँ। ये देख सकते हैं इसका पीछे में दो तार सोल्डरिंग हुआ है। अभी मैंने स्विच को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा बैटरी से वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट DC में लगा दिया हूँ और मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा 0.68 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा बैटरी से वोल्टेज जो आता है वो बहुत ही कम वोल्टेज है। तो चलिए ये टॉर्च को खोल के ही देखेंगे। तो सबसे पहले ये टॉर्च का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने कुछ इस तरीके से खोल लेता हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं ये हमारा निकल चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर दो स्क्रू होता है और ये दोनों स्क्रू को मैंने अच्छे से खोल लेता हूँ। और इसके बाद में ये टॉर्च को कुछ इस तरीके से खोल लेना है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पर देखिए ये हमारा टॉर्च का बैटरी है और ये 4 वोल्ट 1.6 एम्पियर का लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी है। तो सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, ये बैटरी में कितना वोल्टेज है। देखिए मल्टीमीटर को मैंने फिर से वही 20 वोल्ट DC में सिलेक्ट करके रखा हूँ और मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं बैटरी में हमारा 0.88 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं एक 16 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर फटा हुआ है और ये कैपेसिटर इस सर्किट में यहाँ पर लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सर्किट को यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रू के दौरान ये सर्किट लगा हुआ था, तो ये स्क्रू को मैंने निकाल लेता हूँ। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा निकल जाएगा और ये चार्जिंग सॉकेट को ये सारे चीज़ को मैंने निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कैपेसिटर फटा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिया हूँ। और इसके बाद में वही सेम वैल्यू का मैंने एक नया कैपेसिटर ले रहा हूँ। ये कैपेसिटर का ऊपर में जो माइनस वाला पट्टी नज़र आ रहा है, इस साइड में जो लेग है वो कैपेसिटर का माइनस वाला लेग है और जो दूसरा लेग है वो कैपेसिटर का प्लस वाला लेग है। तो इस कैपेसिटर को इस सर्किट में लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस सर्किट में दो भाग नज़र आ रहा है, ये जो वाला भाग में लाइनिंग नज़र आ रहा है ये हमारा माइनस वाला भाग है कैपेसिटर का, तो इस साइड में कैपेसिटर का जो माइनस वाला लेग है वो रहेगा और बाकी जो दूसरा भाग है उसमें प्लस लिखा हुआ है तो उस भाग में कैपेसिटर का प्लस वाला लेग रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर इस सर्किट में लगा देता हूँ और नीचे की तरफ से इसको मैंने सोल्डरिंग भी कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं सोल्डरिंग अच्छे से हमारा हो चुका है और कैपेसिटर भी बढ़िया से लग चुका है। अभी दोस्तों हम ये बैटरी को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैटरी का ऊपर का भाग है इसको हमें कुछ इस प्रकार से खोल लेना है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको दो कैप नज़र आएगा और ये दोनों कैप को भी आपको खोल लेना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों कैप को खोलने के बाद दो होल नज़र आएगा, ये दोनों होल में हम बैटरी एसिड को डालेंगे। तो ये इंजेक्शन की जो सिरिंज है इसके अंदर में मैंने बैटरी एसिड को भर दिया हूँ। और ये जो बैटरी एसिड होता है ये आपको बैटरी की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े बैटरी वगैरह मिलता है और बैटरी जहाँ पर रिपेयरिंग होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये बैटरी एसिड 1 लीटर का बोतल आता है और लगभग 50 रुपये में मिलता है 1 लीटर का। तो दोस्तों इस तरह से बैटरी एसिड को इसमें डाल देने के बाद मैंने बैटरी को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ और इसका जो ऊपर का दोनों येलो कलर का कैप है इनको भी लगा देता हूँ और ये ऊपर का जो कैप है इसको भी लगा देता हूँ। देखिए अभी मैंने बैटरी को चार्जिंग में लगा दिया हूँ और अभी हम क्या करेंगे बैटरी का वोल्टेज को चेक करके दिखाएँगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 4.2021 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये सही वोल्टेज है, अभी हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो देख सकते हैं चार्जिंग का जो रेड कलर का LED वो भी जल रहा है। अभी मैंने इसको चार्जिंग से हटा लिया हूँ
और यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा एलईडी धीमे से जल रहा है क्योंकि अभी हमारा बैटरी थोड़ा सा ही चार्ज हुआ है। अगर हम इस बैटरी को लगभग 1 या 2 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाएंगे तो उसके बाद में ये जो एलईडी है ये काफ़ी तेज़ी से जलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने ये बैटरी को इस टॉर्च में फिटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने ये टॉर्च को अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ और इसको फिटिंग करने के बाद मैंने लगभग 2 घंटे के लिए इसको चार्ज किया था। तो ये हमारा चार्ज हो चुका है। अभी मैंने इसका स्विच को ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं इसका लाइट अच्छे से जल रहा है और ये देखिए अभी मैंने बंद कर लिया हूँ और इसका जो आगे का कांच हमारा टूट गया था इसको मैंने फेविक्विक से चिपका लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी टॉर्च को रिपेयर कर सकते हो अगर उसका बैटरी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।